गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हैं आप सब? और मैं अपना ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ जिसमें मैंने राखी की शॉपिंग की है और अपने मायके राखी कुरियर भी किया है, क्योंकि इस साल कोरोना काल है, मैं मायके नहीं जा सकती हूँ, तो थोड़ी सी दिक्कत है। तो आप लोग सब देखिए कि मैं क्या कर रही हूँ, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू। ये देखिए मैं मार्केट के लिए निकल गई हूँ और मैंने गाय को रोटी खिलाई है, क्योंकि हमारे घर में पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है। और मैं मार्केट जा रही हूँ। ये मैं राखी की दुकान पहुँच गई हूँ। अभी राखी उतनी अच्छी नहीं आई है क्योंकि मैं थोड़ा पहले आ गई थी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे कुरियर करना था। ये मैं दूसरी दुकान जा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी इसने राखी दिखाई है और इसी में से मैं पसंद कर रही हूँ। मैंने बहुत बार्गेनिंग भी की है और ये मैं राखी ले चुकी हूँ यहाँ पर। ये भैया दे चुके हैं मुझे। ये सब उड़न के राखी पसंद आ चुके थे, मैं इसे कुरियर करने के लिए जा रही हूँ। रास्ते में मैंने लिफाफा खरीद लिया, इसमें राखी डाल कर दी जाती है, तो वो मैंने ले ली है। और ये मेरी बेटी है, ये रास्ते में कोई भी दुकान देखती है तो वहाँ रुक जाती है कुछ कुछ लेने के लिए, तो मुझे फिर उसे टान कर ले जाना पड़ता है। और ये रास्ते में थोड़ी भीड़ भी थी, हम साइड साइड से चल रहे थे। और ये मैं जा रही हूँ राखी कुरियर करने। कुरियर नहीं किया है मैंने, मैंने स्पीड पोस्ट किया है कि पता नहीं, कि मैं बैठ कर उन्हें लिख रही हूँ। और ये मैं लाइन पे खड़ी हूँ। लेडीज़ की लाइन तो थोड़ी कम थी, पर जेंट्स की लाइन इतनी लंबी थी कि मैं क्या बताऊँ, सब खड़े खड़े इरीटेट हो रहे थे। और ये मेरी बेटी फिर मार्केट में रुक गई है। ये हर एक माल का दुकान है और यहाँ से एक दो सामान मैंने ख़रीदा। और ये मैं यहाँ पर जलेबी ले रही हूँ।